किसान महाजुटान को लेकर मार्क्सवादी समन्वय समिति के द्वारा किसानों के हक और न्याय के लिए धनबाद गोल्फ ग्राउंड में सभा का आयोजन किया गया। वहीं उपायुक्त को 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। किसान संग्राम समिति द्वारा आज महा किसान का महाजुटान किया गया था, जिसमें सभी लोग अपने स्वेच्छा से भाग लिए और किसान की जो मूलभूत समस्या है वो समस्या का हम लोग DC के पास घेराव में हम लोग का आदमी गया हुआ है। सारी मुद्दा को ले जाकर के उपायुक्त महोदय के पास जो है कि गया हुआ है, मुद्दा रख देंगे और उसी विषय में जो है कि आज हम लोग किसान महाजुटान करवाए हैं। देखिए, अभी जो है कि इस साल वर्षा नहीं हुआ है तो पूरा झारखंड प्रदेश के सुखाड़ घोषित होना चाहिए और जो विस्थापित है उसको मुआवजा मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। जो जमीन कोयला प्रोजेक्ट करके, देखिए पहले 1972 में जमीन जो अधिग्रहण हुआ था उस समय कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ था, उस समय जो है अंडरग्राउंड माइंस चलाने के लिए जमीन को लिया गया था। अभी जो है कि बिना पूछे बिना नोटिस किए प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो कि वो जमीन जो है कि किसानों की है, तो जमीन पर जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो किसान को जो है कि मुआवजा देना चाहिए ना, नौकरी देना चाहिए ना, वो नौकरी नहीं मिल रहा। उसका बाद साथ ही साथ जो कोयला निकाल रहा है बेतुक तरीका से निकाल रहा है, जहाँ कोयला कहीं मट्टी कहीं पत्थर ऐसे इस तरह से और रेती ज़मीन पर जो है कि फेंक दिया जा रहा है। जैसा सुरंगा एक गाँव होता है वो रेती ज़मीन वहाँ डंपिंग कर देता जबरन, तो इसलिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। माई माटी के साथ खिलवाड़ होगा तो धनबाद की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। चुनाव में भी आएंगे, अपना जनप्रतिनिधि अगर नहीं होंगे तो फिर सही मुद्दा कैसे लोकसभा तक हम लोग लेके जाएंगे, केंद्रीय सरकार के पास कैसे लेके जाएंगे। तो इसलिए लाल झंडा तय किया है कि अपने कैंडिडेट देंगे। ये किसानों की लोन माफ नहीं हो, किसानों से 15 लाख का जुमला दे करके मोदी सरकार ने खाता खुलवा लिया और अडवाणी का जो है कि वो लोग का जो बड़ा बड़ा पूंजीपति लोग है वो लोग का माफ हो रहा है, किसानों का कहाँ, पूरा देश में नहीं हो रहा। जिस तरह से रहती जमीन को वाले लोग आंदोलन का यही मांग है कि जो जमीन को बर्बाद किया है वो जमीन में जो है कि समतलीकरण करके मिट्टी डाल दिया जाए, जिस तरह का मेरा जमीन था उस तरह से मेरा जमीन को कर दो। अन्याय तो पूरा अन्याय कर रहा है, जबरदस्ती कोयला कहीं पत्थर कहीं मट्टी उस तरह से नहीं होना चाहिए। आप बिजनेस करने आए हैं, कंपनी को दिए बिजनेस कीजिए, कोयला को तरीका से निकालिए और फिर तरीका से ढाप दीजिए, लेकिन यह तो मनमानी लूट हो रहा है। ये लड़ाई चालू रहेगी। जो 77 के जो दर्शक में जो राय बाबू विनोद बिहारी महतो जी के जो नेतृत्व में जो लड़ाई चल रहा था लाल हरे के नेतृत्व में फिर जो है कि शुरू हो गया है। इस बार जो है कि माई माटी का साथ जो है कि बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे, छेड़ और इस बार हम लोग पूरा शक्ति के साथ हम लोग लड़ेंगे।